हाय, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम जिसे समझेंगे वो चीज़ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है टू रेजिस्ट एनी चेंज, यानी बदलाव का, किसी भी बदलाव का विरोध करना। यानी कि कोई चीज़ अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, वो आप उसे चलाने की कोशिश करेंगे तो उस बदलाव का वो विरोध करती है, और अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करती है। तो हमारे पास एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है इसे समझने के लिए। ये एक सिक्का रखा है मैंने कार्ड के ऊपर। जब मैं कार्ड को धक्का देता हूँ तो आप देखेंगे कि कार्ड आगे की तरफ गया, सिक्का नीचे गिर गया। क्यों? सिक्का वहीं रह गया, क्योंकि जब मैंने कार्ड को मोशन दिया था तो सिक्का और कार्ड दोनों अलग चीज़ें हैं। तो कार्ड तो चला गया लेकिन सिक्का अपनी जगह रहना चाहता था। वो विरोध करेगा, जो सडनली मोशन मैंने इस कार्ड को दिया उसको, उसने विरोध किया, वो अपनी जगह पर रह गया और नीचे गिर गया। तो इसने रेजिस्ट किया चेंज को। चेंज मतलब ये आगे गया और ये नीचे गिर गया। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो हम अक्सर देखते हैं, वो है जब हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी, ट्रेन, स्कूटर, किसी में भी। तो आपने देखा होगा अगर गाड़ी अपनी जगह पर है और सडनली सडनली गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ, हमारी सीट जाती है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं, हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, रुकी हुई है। अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुई तो हमारी बॉडी तो स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमारी जो बॉडी है वो वहीं रहना चाहती है, वो विरोध करती है, वहीं रहना चाहती है। दूसरा एग्जांपल कि जब गाड़ी तेज चल रही है और अचानक से ब्रेक लगे, ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी आगे जा रही है और अचानक से ब्रेक लगे तो हमारे बॉडी में तो ब्रेक नहीं लगे, तो हमारी बॉडी आगे ही जाना चाहती है, पर कार में ब्रेक लग गए तो वो रेजिस्ट करती है। तो दिस इज इनर्शिया। आई थिंक इट इज़ क्लियर।